फ्रेंड्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ। फोर्थ राउंड का रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर बीटेक जेई मेन के थ्रू जो काउंसलिंग हो रही थी उसका आज 9 तारीख डेट स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी इस वेबसाइट पे आइए upset.in या UPSEE पे जाके अपना फोर्थ राउंड की काउंसलिंग यहाँ से दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए हम इसका डेट दिखाते हैं कि कब से कब तक इसकी काउंसलिंग होगी आपकी। तो सबसे पहले इसको डेट को देखिए आप लोग, देखिए इसमें पूरा शेड्यूल्ड इसका है। फोर्थ राउंड की काउंसलिंग का डेट हम आपको दिखा देते हैं। फोर्थ राउंड रजिस्ट्रेशन का जो है दोस्तों, पेमेंट का और कैंडिडेट्स आप रजिस्ट्रेट कर सकते हैं 9 तारीख को ही इसका डेट है, आज 10 बजे से और ये 23 बजे तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फ्रेश कैंडिडेट जो नए हैं, जो नए लोग इसमें एडमिशन के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके लिए आज इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, आज 9 तारीख से 10 तारीख तक। जी हाँ दोस्तों, और रिस्पॉन्ड एंड क्वेरी आप कर सकते हैं 9 तारीख से 10 तारीख तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों आपका 9 तारीख से 10 तारीख तक ही होना है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है दोस्तों कि ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग का जो ये लास्ट ऑप्शन है, इसमें आप चॉइस लॉकिंग करते समय अपना जो कॉलेज है, जो लोग जैसे थर्ड राउंड में काउंसलिंग किए थे, फ्लॉट किए थे, उनके लिए ये लास्ट ऑप्शन है कि अपना कॉलेज इधर उधर कर सकते हैं। ये 9 तारीख से डेट है 11 तारीख तक करने का। तो आप लोग देर न करते हुए इसको काउंसलिंग करिए और चॉइस फिलिंग करिए, और जो नए कैंडिडेट्स हैं वो भी चॉइस लॉकिंग ये आज 2 बजे से कर सकते हैं, 14 बजे से दिया है। इसमें सीट अलाटमेंट आपको 12 तारीख को हो जाएगा दोस्तों, और पेमेंट आप लोग सीट कन्फर्मेशन अगर जो नए हैं उनके लिए 13 तारीख को करना होगा 14 तारीख तक। और जो लोग कैंडिडेट्स पेमेंट के कर चुके हैं, जैसे फ्लोट कर चुके हैं, जो नया अपना बस कॉलेज अरेंज करना चाहते हैं या अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, उनके लिए बस फाइनल वे अपना रिजल्ट का वेट करें। तो इस तरह से दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। और जो ब्रांच चेंज करना चाहते हैं उनके लिए लास्ट ऑप्शन एक दोस्तों और है कि वो 18 तारीख को कॉलेज में जब एडमिशन हो जाएगा तब पहुँच कर अगर सीट खाली रहेगी तो वहाँ अंदर से इंटरनल स्लाइडिंग होती है फिजिकल रिपोर्ट करके, वहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है उसी में बस ये होता है। तो आप लोग जाके आराम से उसको कर सकते हैं, वैकेंट सीट अगर रहेगी तो आपका ब्रांच चेंज हो जाएगा।